मट्टू कला अनाज मंडी में अतिक्रमण होने से लोगों को आफत बनी हुई है। मट्टू कला निवासी वीरेंद्र साई व सुमेर फौजी ने मार्केट कमेटी सचिव को शिकायत देकर इसे हटाने की मांग की है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि मट्टू कला अनाज मंडी में बांस, लोहे के गाटर, सरिये, खाद के कट्टे व अन्य सामान दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे क्षेत्र में जनता भारी परेशानी से परेशान है और किसान जब अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में आते हैं तो उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनाज मंडी के गेट पर भारी अतिक्रमण होने के चलते यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है। अनाज मंडी में जो बरामदे किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं उन पर अतिक्रमण करके दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है। दुकानों के आगे 50 फुट तक की दूरी पर बुरी तरह से बांस, गार्डर, खाद, कट्टे इत्यादि डालकर अतिक्रमण किया हुआ है। इस बारे मार्केट कमेटी सचिव महावीर सिंह ने कहा है कि शिकायत मिली है। दुकानदारों को 15 दिन के में अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है। अनाज मंडी से अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। क्षेत्र में किसानों के नरमे की फसल में सुंडी का प्रकोप से हुए नुकसान का मंगलवार को किसान सभा जिला प्रधान कामरेड विष्णुदत्त शर्मा ने दौरा कर निरीक्षण किया। उन्होंने गांव ढाबी खुर्द, जांडवाड़ा बागड़, दहियड़, रामसरा, ढाबी कला, खाबड़ा कला, ठुइया, भट्टूकला में किसानों को साथ में लेकर उनके नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान पर यहाँ के किसान को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिस फसल को बोने से अब तक तैयार होने तक 20,000 से 25,000 रुपये प्रति एकड़ खर्च हो चुका है। यह फसल बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसान सभा सरकार से मांग करती है कि किसानों को मुआवजे के तौर पर कम से कम 30,000 रुपये दिया जाए। उन्होंने कहा है कि स्पेशल गिरदावरी करवा कर इसका मुआवजा तुरंत दिया जाए। इस अवसर पर तहसील सचिव सुभाष बादू, रिचपाल राजमल, महेंद्र सिंह, बलजीत सिंह, महावीर सिंह, मनिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, जैक्सन सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद पहुंचकर फसल की मांग को जायज़ मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भट्टू से पहुँचेंगे।